हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। सो ये है बलेनो फेसलिफ्ट का बेस वेरिएंट विच इज़ द सिग्मा मॉडल और ये व्हाइट कलर में काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टैकुलर लुक ऑफर कर रहा है। सो हम शेयर करने वाले इसका एक डिटेल वॉक अराउंड ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन, यानी कि इस प्राइस में राइवल कार के कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं किस प्राइस में, वो भी हम शेयर करने वाले हैं। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ द कार। राइट अवे आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट में कुछ ऐसे ग्रिल अवेलेबल है, ब्लैक कलर की ग्रिल आपको मिल जाती है। देन वी हैव गॉट दिस प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प, टर्न इंडिकेटर्स आर इन नॉर्मल हेलोजन और यहाँ पे भी नॉर्मल हेलोजन दिया गया है। हाई बीम एंड लो बीम प्रोजेक्टर में, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड फॉग लैम्प जो है वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। फॉग लैम्प यहाँ पे एंड डेल्टा वेरिएंट दोनों में ही अवेलेबल नहीं है। एंड दिस इज़ द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। एंड फर्दर मोर गाइज, यहाँ पे आपको फोर मॉडल मिल जाते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जेटा एंड अल्फा मॉडल। जो बेस मॉडल है सिग्मा, वहाँ पे आपको सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। बाकी सारे जो मॉडल हैं वहाँ पे आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। राइट अवे बात करें इंजन ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पे सिंगल इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज़ 1.2 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 89 bhp ऑफ पावर एंड 113 Nm ऑफ टॉर्क अवेलेबल है। यहाँ पे करंटली आपको कोई CNG का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन CNG का ऑप्शन बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला है और यहाँ पे माइल्ड हाइब्रिड मिल जाता है, जिस वजह से माइलेज जो है दैट इज़ प्रीटी गुड। साउंड रेडिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं यहाँ पे भी, और इवन बेस मॉडल में भी कंप्लीट अंडरबॉडी इंजन गार्ड मिल जाता है। और अंडरबॉडी इंजन गार्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी सेंटर में यूज़ करा गया है। सो बेसिकली अंडरबॉडी इंजन गार्ड के काफ़ी फायदे हैं, ये जो वाटर एक्यूमुलेटेड एरिया में से जाते हैं तो जो वाटर का स्प्लैश है वो इंजन के मेन कंपोनेंट्स तक एंटर नहीं कर पाता। देन यहाँ पे जो अंडरबॉडी इंजन गार्ड दिया गया, इसमें काफ़ी अच्छी कवरिंग है, जिस वजह से जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कैट्स हैं, वो अंदर इजीली एंटर नहीं कर सकती हैं। जो वायर्स हैं वो कट होने से प्रिवेंट हो जाती है। सो दैट इज़ द बेसिक बेनिफिट ऑफ अंडरबॉडी इंजन गार्ड। बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। सो दिस इज़ द साइड प्रोफाइल। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल है। बलेनो फेसलिफ्ट में यहाँ पे क्लच इंप्रूव करा गया, राइड क्वालिटी एंड सस्पेंशन इंप्रूव करा गया और कार की जो ब्रेकिंग है उसको भी इंप्रूव करा गया। सो फ्रंट फेंडर में यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल है, यहाँ पे आपको ORVM पे टर्न इंडिकेटर नहीं मिलेंगे। देन दीज आर स्टील व्हील्स विदाउट व्हील कवर्स, सो यू कैन सी 185/65 सेक्शन टायर दिया गया। व्हाट इज गुड इज दैट यहाँ पे 15 इंचेस का आपको टायर मिलता है और यहाँ पे ORVM जो है दैट इज़ नॉट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, नॉट इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल। सो आपको यहाँ पे इसे ऐसे ही फोल्ड करना पड़ेगा और जो एडजस्ट भी है आपको उसकी विंडो डाउन करके एडजस्ट करना पड़ेगा लाइक दिस, बिकॉज अंदर यहाँ पे कोई लिवर नहीं दिया गया एडजस्ट करने के लिए। सो आपको मैनुअली हैंड से ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन बाद में गाइज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM है वो इंस्टॉल हो जाते हैं 8000 में विद ऑटो फोल्डिंग फंक्शन, तो की से आप अनलॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाते हैं, तो वो बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। जो ORVM है डोर हैंडल है, ब्लैक कलर के मिलते हैं 2000 में, बाद में आप पेंट करवा सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फ्रेम के पास, विंडो फ्रेम के पास ये बॉडी कलर में दिया गया, अपर वेरिएंट्स में आप इसे ब्लैक कलर का मिलता है तो ये भी बाद में पेंट हो जाता है बहुत ही इजीली। यहाँ पे भी ब्लैक फिनिश अवेलेबल है। वी हैव गॉट रियर क्वार्टर ग्लास एंड माइक्रो रूफ एंटीना। दिस इज द रियर लुक। सो बेसिकली यहाँ पे स्पॉइलर अवेलेबल है गाइस। देन वी हैव गॉट रियर डिफॉगर विच इज़ अ गुड फीचर। बेस मॉडल में जनरली रियर डिफॉगर आप शायद किसी कार में देखेंगे, तो यहाँ पे डिफॉगर दिया गया विच इज़ वेरी यूजफुल फीचर इन विंटर्स। देन यहाँ पे टेल लैम्प का डिज़ाइन आप देखेंगे तो टेल लैम्प इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। सो दीज आर द टेल लैम्प। हम यहाँ पे ब्रेक प्रेस करेंगे, सो कम्प्लीट LED ग्लो होती है वेन यू प्रेस द ब्रेक्स। एंड दिस इज़ द रिवर्स लाइट। एंड देन यहाँ पे रियर में फोर सेंसर्स अवेलेबल हैं। वी हैव गॉट रिफ्लेक्टर्स एज वेल। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आर इन हेलोजन। ऑल्सो रियर आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, नॉट बिकॉज ऑफ दिस टेल लैम्प्स, बट यहाँ पे जो बलेनो की फॉन्ट है वो भी चेंज हो गया, तो इट इज़ लुकिंग बिट नाइस, बिट न्यू एंड रिफ्रेशिंग। एंड यहाँ पे आपको 2 years 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है, आप इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू मोर 3 years एंड 1 lakh किलोमीटर्स, यानी कि 5 years एंड 1 lakh किलोमीटर्स तक आपको टोटल वारंटी मिल जाएगी। सो बिफोर वी गो अहेड इन दिस वीडियो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव परफ्यूम। सो ये है इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट का गोल्ड लीफ एयर स्प्रे परफ्यूम। बहुत ही इसकी रिफ्रेशिंग एंड कूल फ्रेगनेंस है एंड दिस फ्रेगनेंस विल मेक यू, योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स गो वाओ। सो इतनी अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है। यहाँ पे एक्सपेंसिव ऑयल जो है उसका ब्लेंड करा गया। सिंपली आप इस डैंगलर को ऐसे हैंग करेंगे, इट इज़ मेड इन इंडिया परफ्यूम, और सिंपली आप ऐसे यहाँ पे दो स्प्रे करेंगे एंड एवरीवन विल गो वाओ। बहुत ही अच्छी इसकी रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस है। 2 to 3 months ये इजीली चल जाती है। सो यू कैन ट्राई द अदर वेराइटी ऑफ दिस परफ्यूम एज वेल। अभी कभी विजिट करें involveyoursenses.com पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। से पहले ओपन करते हैं यहाँ पे हम बूट को। सिंपली आप बटन प्रेस करेंगे, टेलगेट ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे जो कन्वीनियंट फीचर्स हैं वो काफ़ी सारे अवेलेबल है। इवन जो इंटीरियर में भी 2-3 फीचर्स ऐसे दिए गए हैं विच इज़ वेरी एसेंशियल। सो ये बेस मॉडल भी कुछ हद तक वर्थ बन जाता है टू बाय।
एंड यहाँ पे आप देखेंगे रियर में पार्शल शेल्फ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप बाद में 1500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। वी हैव गॉट अ बिग साइज बूट स्पेस, जो लोडिंग लिप दिया गया थोड़ा सा हाई है, सो लोडिंग एंड अनलोडिंग हल्का सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट बूट इज़ ओवरऑल क्वाइट वेल शेप्ड। यहाँ पे आपको चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाएंगे, इसको आप लिफ्ट करेंगे तो दिस इज़ द स्पेयर टायर। सो 185/65 R15, सो फुल साइज़ का नॉर्मल स्टील व्हील अवेलेबल है। एंड देन अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई लगेज लैम्प नहीं मिलता, एक कोट हैंगर दिया गया। सो यहाँ पे आपको एक ग्रॉसरी हुक मिल जाता है एंड लगेज लैम्प अवेलेबल नहीं है। लगेज लैम्प आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं 300 में। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल अवेलेबल है एंड सीट्स को भी हम फोल्ड डाउन कर सकते हैं, बेंच फोल्डिंग सीट्स दी गई हैं, सो सिंपली यू कैन फोल्ड डाउन लाइक दिस। एंड अब बात करते हैं गाइस कई सारे अदर स्पिरिट्स के बारे में बलेनो फेसलिफ्ट के, एंड फिर चलेंगे इंटीरियर्स में। ऑल्सो जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज द कंप्लीट ऑन रोड प्राइस एंड इस मॉडल यानी कि इस प्राइस में वो और कौन कौन सी कार्स मिल जाती है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सिक्स कलर्स की यहाँ पे चॉइस मिल जाती है, विच आर ब्लू, रेड, सिल्वर, ग्रे, न्यू बेज कलर एंड वाइट कलर। एंड दिस इज द कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन विद द राइवल कार्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट डायमेंशन कंपेरिजन। साथ में टर्निंग रेडियस है बलेनो का 4.85 meters, फ्यूल लेंथ 37 liters, बूट स्पेस 318 liters एंड कर्व वेट 920 से लेकर 960 kg। एंड बेस वेरिएंट में रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जिसका डिस्प्ले MID में है, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, टू एयर बैग्स, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रिटेंशन एंड फोर्स लिमिटर, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स एंड रियर डिफॉगर। सो बलेनो इंडिया में लॉन्च हुई थी 26 अक्टूबर 2015 में। 2018 में इसने 5 लाख सेल मार्क क्रॉस कर लिया था और 2021 में 10 लाख सेल मार्क क्रॉस कर लिया था। सो दिस इज द की, लॉक एंड अनलॉक बटन अवेलेबल है। सो यहाँ पे बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रखा गया, लॉक एंड अनलॉक के टाइम यहाँ पे इस मॉडल में कोई भी साउंड नहीं है। एंड देन डोर जो है वो काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है, कार को ऑन कर लेते हैं। सो दिस इज द डैशबोर्ड व्यू, ऑल ब्लैक इंटीरियर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे ट्रिपल टोन डैशबोर्ड मिलता है, ब्लैक कलर, दिस ग्लॉसी कलर एंड ब्लू कलर। और डैशबोर्ड का लेआउट जो है दैट इज प्रिटी नीट, प्रिटी नाइस। और ये है फ्रंट डोर की लुक, अगेन यहाँ पे डुअल टोन डोर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्लीट फैब्रिक फिनिश अवेलेबल है, विच इज कुशन फैब्रिक। सो काफ़ी कंफर्टेबल आर्मरेस्ट है, ऐसा नहीं करा गया, कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया बेस मॉडल में, तो दैट मेक्स इट प्रिटी वैल्यू फॉर मनी। इवन ऑटो अप एंड ऑटो डाउन पावर विंडोज भी अवेलेबल है फॉर द ड्राइवर साइड। ऑल फोर पावर विंडोज मिल जाती है, पावर डोर लॉक स्विच अवेलेबल है, देन वी हैव गॉट बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट। सो स्पीकर, बेसिकली स्पीकर की आपको स्पेस मिलती है यहाँ पे, एक्चुअल में आपको स्पीकर नहीं मिलेगा। स्पीकर आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं फ्रॉम 1500 to 2500, डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिटी का इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। देन यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर का दिया गया, जो कि डेल्टा में भी ब्लैक कलर का ही मिलता है। एंड यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स है सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच ही आपको मिलेगा इल्यूमिनेटेड। एंड दिस इज द फ्रंट सीट, सो सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। यहाँ पे जो स्पेशली अपर शोल्डर सपोर्ट दिया गया दैट इज रियली नाइस। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको इस मॉडल में नहीं मिलता, ना ही डेल्टा में दिया गया। अब जो पेडल्स के बीच में स्पेस है यू कैन सी दैट इज वेरी एक्यूरेट। यहाँ पे डेड पेडल भी अवेलेबल है, स्पेस इज वेरी गुड। और यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं बोनेट को, यहाँ से फ्यूल लिड को, यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया। अगेन वी हैव गॉट माइल्ड हाइब्रिड बटन, इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देन दिस इज हेडलैम्प लेवलर, दोनों स्विचेज इल्यूमिनेटेड है। और ये है कार का स्टीयरिंग व्हील, सो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया, देर इज नो स्टीयरिंग कंट्रोल्स। लेकिन स्टीयरिंग कंट्रोल आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं 3000 में। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, देर विल बी अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन जिसमें आप काफी सारी एसेसरीज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट अवेलेबल है, सो वी हैव गॉट टिल्ट एडजस्टमेंट, देर इज नो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। एंड देन यहाँ पे दीज आर वाइपर कंट्रोल्स, दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स। वाइपर्स अगर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे 2 वाइपर वॉशर अवेलेबल है जो कि 3 साइड स्प्रे करती है। सो वाइपर्स काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करते हैं, नो डाउट इन दैट। दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेम आपको डेल्टा वेरिएंट में भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा एज इट इज सेम। एंड यहाँ पे डुअल ट्रिप मीटर शो करता है, डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले करता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर भी इवन डिस्प्ले होता है विच इज़ रियली नाइस। एंड देन यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको मिल जाएगा। सो MID इज़ रियली नाइस एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव। एंड देन यहाँ पे जो फ्रंट में ट्विटर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप 1500 में इजीली ट्विटर्स इंस्टॉल करवा सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के,
वन पेयर ऑफ ट्विटर्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। सो इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे 10 इंचेस का इन्फोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं, जिसमें आपको नेविगेशन मिल जाती है, यानी कि गूगल मैप्स मिल जाते हैं, कंप्लीट एंड्रॉइड सिस्टम अवेलेबल है। काफ़ी सारी अदर वीडियोज़ में हम वो कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार सारी OTT प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। आपके होम या ऑफिस में कैमरा है तो उसका डिस्प्ले आप ले सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, तो वो सिस्टम ईजिली इंस्टॉल हो जाता है गाइस 15 to 20,000 में फ्रॉम एनी स्टोर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक AC अवेलेबल है। सो दिस इज़ रियली नाइस फीचर, ऑटोमेटिक AC आपको राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिल जाता है। एंड देन यहाँ पे 12 वोल्ट पावर सॉकेट, देर इज़ नो USB एंड ऑक्स पोर्ट। यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया अवेलेबल है, यहाँ पे दो आपको ट्विन मिल जाते हैं कप होल्डर्स। दिस इज़ द गियर नॉब, ब्लैक कलर गियर नॉब है, रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं। सो दिस इज़ द सेंसर डिस्प्ले। सो पियानो ब्लैक गियर नॉब भी आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं 1200 में। यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे हैंड ब्रेक दी गई है विद ब्लैक कलर दिस टिप, एंड देयर इज सम स्टोरेज एरिया ओवर हियर। सो यहाँ पे आप ऐसे अपना स्मार्टफोन प्लेस कर सकते हैं या फिर कुछ अदर स्मॉल स्टफ प्लेस कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली स्मार्टफोन। एंड देयर इज दिस ग्लव बॉक्स। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है, वैनिटी मिरर यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल IRVM मिलता है डे एंड नाइट फंक्शन के साथ। एंड देन यहाँ पे फ्रंट में कोई कैबल लैम्प नहीं दिया गया, फ्रंट में कैबल लैम्प आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, डेल्टा वेरिएंट की तरह ही ट्विन कैबल लैम्प इंस्टॉल हो जाते हैं गाइस इजीली 1200 में। अब चेक करते हैं रियर सीट्स। उससे पहले ये जो फ्रंट सीट्स दी गई है, हेडरेस्ट इज़ वेरी कंफर्टेबल, अपर शोल्डर सपोर्ट, लोअर सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे जो ये साइड बॉक्स दिए गए हैं दे आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। इवन होंडा जैज एंड बेलेनो जो है बेस्ट इन क्लास कंफर्ट ऑफर करती है स्पेशली फॉर द फ्रंट सीट्स। अब बात करते हैं रियर सीट्स के बारे में। सो दिस इज द रियर सीट, टू फिक्स्ड हेडरेस्ट अवेलेबल है, सीट्स हैज बीन रीवर्क। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट प्लेन सीट नहीं दी गई पहले की तरह, जो कि काफ़ी अनकंफर्टेबल थी, अब आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती है। देन यहाँ पे देखेंगे तो डुअल टोन डोर अवेलेबल है, कंप्लीट फैब्रिक फिनिश ओवर हेयर, फैब्रिक फिनिश ओवर हेयर, न्यू डिज़ाइन पावर विंडोज विच फील्स मोर स्टर्डी नाउ, ब्लैक कलर डोर हैंडल, स्पीकर स्पेस, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट। एंड सो लेग रूम यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया है, सीट्स आर रियली वेरी कंफर्टेबल। जो हेड रूम है आपको डिसेंट हेड रूम मिलता है। सो यहाँ पे जो हाइट है थोड़ी रिड्यूस करी गई है, सो हेड रूम यहाँ पे स्लाइटली कम हो जाता है, बट एनीवेज सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। यहाँ पे जो सपोर्ट दिया गया सीट्स का, दैट इज़ रियली वेरी नाइस। इवन रियर में आप जो आर्मरेस्ट है वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं 5500 में बाद में फ्रॉम एनी स्टोर। फ्रंट सीट्स के बैक की पॉकेट अवेलेबल नहीं है, देर इज़ नो रियर AC वेंट, एंड इवन डेल्टा सेकेंड मॉडल में भी आपको रियर AC वेंट नहीं मिलता। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एंड there is some space, and this time you can slide your smartphone. और फ्रंट में यहाँ पे कैबिन लैम्प अवेलेबल है विच हैज़ थिएटर डिमिंग फंक्शन। सो अगर मैं यहाँ पे डोर को क्लोज करूँगा, इट विल टर्न ऑफ लाइक दिस, और ये है कम्प्लीट डैशबोर्ड की लुक। एंड मेक श्योर टू चेक अदर वीडियोज़ ऑन द चैनल एज वेल गाइज़।